guys, welcome to my channel. I'm Anju. You must have watched my last video in which I have discussed many English phrases which you can use in your daily life. But in this video, I have leveled it up a little. मैंने कुछ और English phrases discuss की हैं जो आप अपने daily life में use कर सकते हैं. English बोलते हुए use कर सकते हैं. In fact, Hindi बोलते हुए भी use कर सकते हैं. So let's get started. Our first phrase is, for example, आपके दोस्त का फोन खो गया है. He is very upset about it. तो आपको उसको motivate करना है. आपको बोलना है कोई बात नहीं, ऐसा होता है. तो you can say it's okay, things happen. It's okay, things happen. Our next phrase is, suppose you want to wish your friend good luck. Good luck wish करने के लिए you can say all the best, wish you luck. एक और तरीका है किसी को गुड लक विश करने के लिए, यू कैन से फिंगर्स क्रॉस्ड. यू कैन से फिंगर्स क्रॉस. यू कैन क्रॉस योर फिंगर लाइक दिस एंड यू कैन से फिंगर्स क्रॉस्ड. अब नेक्स्ट फ्रेज इज, सपोज आपको कोई बहुत दिन बाद दिखता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे बहुत दिनों से दिखे नहीं. फॉर दिस यू कैन से लॉन्ग टाइम नो सी. लॉन्ग टाइम नो सी. अब नेक्स्ट फ्रेज इज, सपोज आप कोई काम कर रहे हैं और आपका फ्रेंड आपको बुला रहा है कि चलो चलते हैं. व्हाट यू विल से, अभी थोड़ी देर रुको मैं आता हूँ. फॉर दिस यू कैन से आई विल बी विथ यू इन अ मिनट. आई विल बी विथ यू इन अ मिनट. अब नेक्स्ट फ्रेज इज, मान लीजिए आपने अपने दोस्त के साथ मजाक किया और वो बहुत गुस्सा है, अपसेट है, तो आप उसे क्या कहेंगे? दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले. तो दिल पे मत ले को क्या कहेंगे? डोंट टेक इट टू हार्ट. डोंट टेक इट टू हार्ट. लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कोई बात नहीं के लिए अपन कह सकते हैं नेवर माइंड. नेवर माइंड के अलावा अपन कह सकते हैं नो वरीज. नो वरीज मतलब भी कोई बात नहीं. इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग टू मी, कोई बात नहीं, नो वरीज, नेवर माइंड. एक और इंग्लिश फ्रेज हो सकता है, इट डजंट मैटर. It doesn't matter. You are more important to me, so it doesn't matter. Our next phrase is, suppose आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका लगेज बहुत हैवी है, कोई स्ट्रेंजर आपकी हेल्प कर रहा है लगेज उठाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? You can say thank you. You can say thank you very much. या फिर अपन क्या कह सकते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी. यानी it's very kind of you. So in spite of saying thank you very much, you can also say It's very kind of you. मान लीजिए कुछ गड़बड़ लग रही है, मम्मी आज थोड़ी अपसेट है, ओके? सो मम्मी से क्या पूछेंगे? मम्मी क्या हुआ? सो यू कैन से मम्मी इज एवरीथिंग ओके. मम्मी इज एवरीथिंग ओके. इज अवर नेक्स्ट फ्रेज इज, सपोज व्हेन समवन इज ट्राइंग टू हेल्प यू बट ही कुडंट रीच द रिजल्ट, सो यू कैन से थैंक यू एनी वे. थैंक यू एनी वे का मतलब है आपने जो एफर्ट किया, भले ही वो उसकी हेल्प मुझे नहीं मिल पाई, बट थैंक यू एनी वे. अब नेक्स्ट फ्रेज इज, सपोज वी वांट सम हेल्प फ्रॉम समवन, या किसी से हमें कुछ चीज चाहिए, तो अपन कह सकते हैं थैंक्स इन एडवांस. थैंक्स इन एडवांस का मतलब आई नो यू कैन डू इट, यू विल हेल्प मी और यू कैन गिव मी दैट थिंग, सो आई एम सेइंग यू थैंक्स इन एडवांस. मैं पहले से ही आपको धन्यवाद. हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ तो हम कहाँ थे के लिए यू कैन से वेयर वर वी. वेयर वर वी, देयर आर थ्री डब्ल्यूज. वेयर वर वी, वेयर वर वी का मतलब सपोज अपन कोई बात कर रहे थे और आउट ऑफ ट्रैक हो गए, तो दोबारा रिज्यूम करने के लिए वी कैन से हाँ तो हम कहाँ थे, यानी वेयर वर वी. आवर नेक्स्ट फ्रेज इज, सपोज योर फ्रेंड इज वेरी अपसेट बिकॉज हिज डॉग डाइड टू डेज बैक. So he's very upset and he's not eating anything at all. So आप उसको बक अप कैसे करेंगे? आप उसको क्या बोलेंगे कि अपने आप को संभालो? So for the sentence अपने आप को संभालो, you can say pull yourself together. Pull yourself together. Pull yourself together का मतलब है अपने आप को संभालो, calm down. Don't be upset or don't be angry. Come to your normal position. सपोज आपको कुछ किसी को एक्सप्लेनेशन देना है, ही इज़ नॉट गेटिंग इट, वो समझ नहीं रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? मे
मेरी बात समझने की कोशिश करो. फॉर दिस यू कैन से ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. सपोज आपका छोटा भाई आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप चिड़चिड़ा रहे हो, गुस्सा आ रही है आपको, तो यू कैन से यू आर ड्राइविंग मी नट्स. यू आर ड्राइविंग मी नट्स यानी मुझे बहुत गुस्सा आ रही है. डोंट इरिटेट. सपोज आपको कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज बताता है, आप कहते हो तुम मजाक तो नहीं कर रहे. यू गॉट टू बी किडिंग मी. यू गॉट टू बी किडिंग मी. Suppose you have got a new job and somebody comes to you and say congratulations for your new job. You will say, how do you know? Tumhe kaise pata? How do you know? So, I would better be going ka matlab hai, ab mujhe jana chahiye. To main isi tarike ke mazedar videos aapke saath share karti rahungi. Keep watching my video and don't forget to subscribe my channel. Hit that notification button also. Till then, be blessed, get motivated, and try to speak in English, because speaking English is not a rocket science. Bye bye.